हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने पास्ट परफेक्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म थी, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। हेड के साथ इसमें बीन यूज़ होगा। अब कॉन्टीन्यूस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है इसीलिए सिंस और फोर ऐड हो जाएंगे। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर। इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट उसके बाद बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर और क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट इसका रूल है, यदि दो सेंटेंस वेन से जुड़े हुए हों, अगर एक सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस दिया गया हो मतलब कि सेकंड फॉर्म भी भरी गई हो और दूसरे सेंटेंस में सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम और फोर के बाद पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, तो वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। सिंस और फोर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हम पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका जिक्र पहले कर चुके हैं कि सिंस, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून इनके साथ लगाएंगे, या सिंस 1984 और फोर लगाएंगे जिसको आप काउंट कर सकते हैं, फॉर टू आवर्स, फॉर फोर डेज, फॉर ए वीक, उनके साथ आप फोर लगाएंगे जिसमें पीरियड ऑफ टाइम हो। एग्जांपल देखिए, मिस्टर शर्मा हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। अब सेंटेंस में वेन से दो सेंटेंस कनेक्ट किए हुए हैं, वेन के बाद वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, ये हम कल जिक्र कर चुके थे, वेन आई जॉइंड हिम इन 1995। वेन के बाद सेकंड फॉर्म है और वो सेंटेंस जिसमें सिंस या फोर लगा हुआ है तो उसके अंदर आपने हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है, तो यहाँ पे हैड बीन टीचिंग आएगा। नेक्स्ट है, हरी had been writing a novel when I visited there। अब यहाँ पे when का यूज़ करेंगे। अब when के बाद यहाँ सेकेंड फॉर्म थी और पहले वाले सेंटेंस में had been writing आएगा, had been के साथ फर्स्ट फॉर्म ing। ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस।